हाय, कैसे हैं आप लोग। आज जो हम डिस्कस करेंगे गाड़ी के पूरे सिस्टम को छोटा छोटा सा ब्रीफ करेंगे कि गाड़ी के अंदर क्या क्या सिस्टम यूज़ हो रहे होते हैं, चेसिस से लेके इंजन, ब्रेक सिस्टम, सस्पेंशन और टायर्स, हर चीज़ को। मेरे पास मजडा RX-8 है, इसको देखेंगे किस तरीके से हम इसको डिसमेंटल करेंगे और किस तरीके से हम इसके बारे में बात करेंगे। ब्रेक सिस्टम, ब्रेक हब, टायर्स, हर चीज़ पर आज हम बात करेंगे और किस तरीके से हम इसको ओवरऑल कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ये बात बताऊंगा कि ब्रेक सिस्टम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ओवरऑल करने के लिए हम लोग मुख्तलिफ चीज़ें यूज़ करते हैं और मुख्तलिफ चीज़ों से इसके बाद हम इसको ओवरऑल करते हैं। ब्रेक पिस्टन नॉर्मली जैम हो जाता है और इसको क्लीन करके, इसमें नई ग्रीस डाल के, इसकी बूट नया रिप्लेस करके, बूट किट, और ये बिल्कुल प्रॉपर सही हो जाता है। और इसके बाद हम इसको अच्छे से क्लीन कर लेते हैं और क्लीन करने के बाद इसको अच्छे तरीके से वॉश करके फिट कर देते हैं। इसकी फिटमेंट से लेकर हर चीज़ प्रॉपर तरीके से की जाती है। ब्रेक सिस्टम के अंदर सबसे अहम चीज़ यही होती है कि फ्लूड का मैकेनिकली ट्रेवल करना पिस्टन्स में और उसको प्रेस करना डिस्क को, ताकि मैकेनिकल एनर्जी हीट एनर्जी में ट्रांसफ़र हो जाए। इसी तरीके से सस्पेंशन, अगर हम चेक करते हैं गाड़ी के अंदर कि कौन सस्पेंशन में क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, और सस्पेंशन में रस्टी और क्रैक बूट्स नहीं होने चाहिए। बहुत सारी चीज़ें जो हैं, रस्टी होंगी तो गाड़ी के अंदर बहुत सारी नॉर्मल नॉइज आएंगी। उसके अलावा अगर बूट क्रैक्स हैं, रबर मटेरियल डैमेज है, तो भी गाड़ी के अंदर सस्पेंशन की नॉइज़ क्रिएट होंगी। और उसके अलावा अगर हम इंजन की बात करें तो इंजन की नॉइज़ भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। इंजन के साथ साथ हम ब्रेक्स और उसके बहुत सारे कंपोनेंट्स की नॉइज़ को भी सुनते हैं और उसको डायग्नोज करते हैं कि आवाज़ कहाँ से क्रिएट हो रही है। ये हमारा पिस्टन कैलिपर और ब्रेक कैलिपर है और इसकी पिंस हैं और ये ब्रेक पैड्स, और ये हमारा कैलिपर में फिट और डिस्क के साथ अटैच हो गई। ये पूरा कंप्लीट सर्किट, पूरा सिस्टम तैयार हो गया। और ये इसके बाद ये हमारा चेसिस सिस्टम के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट सिस्टम है, क्योंकि हमें गाड़ी अपनी रोकनी तो होती है। और इसी के बाद बाकी सस्पेंशन आ जाता है, जिसके अंदर शॉक एब्जॉर्बर और लोअर आर्म्स, और टायर ऐसी चीज़ है जो कि हर वक्त गाड़ी के बनने के बाद उसके साथ लगा रहता है। और इसी तरीके से ये सारी चीज़ें एक मिल के सस्पेंशन और या चेसिस बनती हैं। इसके अलावा गाड़ी के बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, जिसमें इंजन कंपार्टमेंट अगर हम खोलें तो हमारे सबसे सामने पहले एक चीज़ आएगी जिसका नाम है रेडिएटर। ये रेडिएटर कैप है और इसके अंदर प्रेशर मेंटेन करने की सलाहियत होती है। ये हमारा ABS यूनिट और ये इंटेक मैनिफोल्ड, ये सारी सब चीज़ें इंजन कंपार्टमेंट में हमें मिलती हैं और इसी तरीके से ये गाड़ी के बाकी सिस्टम को एक दूसरे से जोड़ रही होती हैं। इंजन को कूल करने के लिए हमारे पास रेडिएटर होता है और बाकी कंपोनेंट्स। तो इस तरह आज मैं इंजन कंपार्टमेंट को मज़ीद खोल के आपके सामने रख देता हूँ। और इस तरीके से अगर मुख्तलिफ चीज़ें हैं तो वो कुछ इस तरीके से दिखेंगी। इंजन है और उसके बाकी सारी चीज़ें और ये सारे कंपोनेंट्स। तो अब तक के लिए मेरे ख्याल से इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार करिए। टेक केयर, गुड बाय।